खबर लैस हरिद्वार जी धर्म संसद धर्म संसदक लेशजुरी वितर्क चलिए धर्म संसदते मुसलमान लोक हत्या करार कथा क्या ख्रीस्टान ऊपर आक्रमण कथा क्या देशर प्राक्तन प्रधानमंत्री गुलियम क्या ইমানৰ পাছতো এই ধৰ্ম সংঘটত জড়িত ব্যক্তিসকলক কিয় উত্তৰাখণ্ডৰ বিজেপি চৰকাৰে গ্ৰেপ্তাৰ কৰা নাই বুলি আছাৰউদ্দিন ওৱেছিৰ তৰফৰ পৰা আজি প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰা হৈছে তাৰ লগতে ওৱেছিয়ে প্ৰশ্ন কৰিছে নৰেন্দ্ৰ মোদী বা যোগী আদিত্যনাথক যদি কোনোবাই সমালোচনা কৰে তেওঁলোকক বিজেপি চৰকাৰে জেলত ভৰাই দিয়ে কিন্তু মুছলমানক অপমান কৰিলে কিয় ব্যৱস্থা নলয় বিজেপি চৰকাৰ पार्सन टाइम यह मुहूर्त जानसो विशेष खबर तो हरिद्वार अनुषित हुआ धर्म संसदक लार सरब हो ए आई एम आई एम नेता अशोकदीन ओवैसी साम्प्रदायिक विषबाष्प विपा लोकर ऊपर व्यवस्था लबस ना प्रधानमंत्री ओवैसी तरफों पर मंत्य कर देशों प्राक्तन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहक गुलीवार कथा क्या धर्म संसद यार पाशतो एने व्यक्ति ग्रेप्तार करजेपी सरकार योगी आदित्यनाथ और नरेन्द्र मोदी जो कोई समालोचना करक सरकार ग्रेप्तार कर मुसलमानक लगा क्या प्राक्तन प्रधानमंत्री गुलियम क्या हत्या करजेपी सरकार व्यवस्था नलय ग्रेप्तार नक धर्म संसद बहु वितर्कित कथा क्या जो स्वाद्वी अन्नपूर्णा कैसे एश जन लोकर द्वारा 20 लाख लोक हत्या करा हब 20 लाख मुसलमानक हत्या करा हब यार पाछतो एगराकीओ नेता ग्रेप्तार करिबलै सक्षम नहल बिजेपी सरकार ए धर्म संसदत कोआ होइसिले 2029त कोनो मुसलमान जते प्रधानमंत्री हब नोवारे तार बाबे अस्त्र तुलि लब लागे म्यानमारर रोहिंग्यार दरे भारतर मुसलमानर अवस्था करिम बुलि कले इमान साम्प्रदायिक कथा कोआर पिसतो एउलुकर बिरुद्धे यूएपीए किय नलगाय मोदी सरकारे আছাদউদ্দিন ওয়েসি তরফর পৰা আজি নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন সরকারখনক সমালোচনা করা হয়েছে উত্তরাখণ্ডৰ বিজেপি সরকারক সমালোচনা করা হয়েছে আর প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছে ধর্ম সংসদত সাম্প্রদায়িক বিষবাষ্প বিয়পা লোকসকলৰ ওপৰত 4-5 দিনৰ পিছতো তেওঁলোকক কিয় গ্রেপ্তার নকৰে ওয়েসি প্রশ্ন এফালে প্রধানমন্ত্রীয়ে সকলো ধর্মৰ কথা উল্লেখ করে সকলো ধর্মৰ লোকক লগত লৈ চলার কথা কয় কিন্তু এইখন দেখতে রাজহুয়া সভাত প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীক হত্যা করিম বুলি কয় মুসলমানের উপর হত্যা হিংসার কথা কয় ইয়ার পাছতো এনে লোকসকলক গ্রেপ্তার নকরে কিন্তু কোনোবাই যদি যোগী আদিত্যনাথ বা নরেন্দ্র মোদীক সমালোচনা করে তেওঁলোকক কিন্তু গ্রেপ্তার করে বা জেলত পঠাই দিয়ে এই সমগ্র বিষয়ক লৈ ওয়েসির তরফৰ পৰা খুড়ধাৰ সমালোচনা করা হৈছে বিজেপির সরকারখনক আমার লগত ওয়েসির মন্তব্য আহি পৰিছে এই মন্তব্য আমি আপোনালোকক এই মুহূর্তত দেখাইলো उत्तराखंड हरिद्वार में एक धर्म संसद हुआ, क्या हुआ? अब धर्म संसद में उत्तराखंड में बीजेपी की सरकार, आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में ईसाइयों के चर्च के में जाकर कहा कि भारत की अखंडता को बरकरार रखना है, भारत की यूनिटी को बरकरार रखना है। देश के प्रधानमंत्री ने कहा, बड़ी अच्छी बात है, बड़ी अच्छी बात है, मगर हम देश के प्रधानमंत्री से पूछना चाह रहे हैं कि उत्तराखंड में आपकी सरकार है और उस सरकार में वहां पर एक धर्म संसद हुआ जिसमें उसका नाम क्या रखा गया? इस्लामिक भारत में सनातन का भविष्य ये हुआ है। अच्छा, उसमें क्या कहा गया? उसमें चलिए मैं लफ्ज़ मुसलमान नहीं बोलूंगा क्योंकि योगी और मोदी और उनके चमचों को बड़ी आपत्ति होगी। मैं ये कहूंगा कि उन्होंने असदुद्दीन ओवैसी के बारे में ये कहा, एक महाशय ने कहा कि काश मैं एमपी होता तो मनमोहन सिंह को गोलियां मार देता। देश का मनमोहन सिंह 10 साल का प्रधानमंत्री, अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो एक महाशय बोले, उनका नाम नहीं बोलना चाह रहा हूं मैं, ना छोड़िए, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा, याद रखो, नाम तो सिर्फ अल्लाह का रहेगा और किसी का नाम नहीं रहेगा इंशाअल्लाह। अब उस पर भी इनको तकलीफ हो जाएगी। तो एक महाशय ने कहा कि अगर मैं पार्लियामेंट में होता तो नाथूराम गोडसे की तरह 6 गोलियां भारत के
एक्स प्राइम मिनिस्टर को गोली मार देता। अब आप सोचिए थोड़ी देर के लिए, जो मोदी के भक्त है उनसे भी कह रहा हूं, अगर कोई फेसबुक पर योगी और मोदी के बारे में कुछ अनाप शनाप लिख दे तो 4 घंटे के अंदर हजरत पुलिस उसके घर को पहुंच जाती, चल हमारे साथ। खाली फेसबुक पर देश के एक प्रधानमंत्री के ओहदे पर रहने वाले मनमोहन सिंह से कहा जा रहा है कि अगर हम होते तो तुझे 6-6 गोलियां मार देते। आपको मालूम, लंबा अरसा हो चुका ये होकर, 4-5 दिन हो चुके, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई, एक भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। अरे मनमोहन सिंह की तो इज्जत नहीं करते तो देश के प्रधानमंत्री के ओहदे की तो इज्जत करो। आज मोदी प्रधानमंत्री है, कल कोई और होगा इंशाल्लाह, मगर उस ओहदे की तो अजमत, उसका इकबाल रहना चाहिए ना। कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है, कोई कैसे खड़े होकर कह सकता है कि मैं पार्लियामेंट में होता तो 6-6 गोलियां मार देता। मगर कोई एक्शन उत्तराखंड की बीजेपी की सरकार ने नहीं लिया। एक और महाशय थे, उन्होंने क्या कहा उत्तराखंड के ईसाइयों को, कहा क्रिसमस नहीं मनाना, क्रिसमस मनाओगे तो फिर तुम्हारी खैर नहीं है। अच्छा, एक और महाशय ने कह दिया कि मैं भगवा संविधान दे रहा हूं। अब हम पूछना चाहते हैं मोदी जी से, क्या आप ये भगवा संविधान को लेकर आएंगे या अंबेडकर के बना हुए संविधान को बरकरार रखेंगे? संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही है, बीजेपी नरेंद्र मोदी सन्नाटे में है। और फिर एक और मैडम ने कहा, वन मैडम हैज सेड, क्या कहा मैडम ने, मुझे 100 सिपाही चाहिए जो 20 लाख ओवैसी की तरह लोगों को मार दे। भाषण में कहा, कमरे में नहीं, भाषण में कहा, और कहा कि भारत का संविधान गलत है और भारत के लोगों को नाथूराम गोडसे की पूजा करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? पूजा करनी चाहिए। वो गांधी का कातिल हरामी गोडसे की पूजा करेंगे। इस आजाद हिंदुस्तान का अगर सबसे पहला टेररिस्ट कोई था, नाथूराम गोडसे था। और मैडम बोल रही है उसकी पूजा करनी चाहिए। अच्छा, एक और महाशय बोले, क्या बोले, क्या वो अपील कर रहे अपने हिंदू भाइयों से, कह रहे मुझे यकीन है कि हिंदू भाई उसका नहीं मानेंगे, कह रहे कि हथियार उठा लो ताकि 2029 में कोई मुसलमान प्रधानमंत्री ना बन जाए। और फिर वही एक और साहब कह रहे कि जिस तरह म्यांमार में रोहिंग्या मुसलमानों को उनके मुल्क से निकाल दिया गया, उसी तरह मुसलमानों से उस तरह का हशर करना चाहिए। कोई मुकदमा नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं। और फिर एक और महाशय ये कह रहे हैं कि शस्त्र रखो, तलवार रखो और जंग तलवार के जोर पर जीती जाएगी। और फिर एक और महाशय ने कहा कि मुसलमानों के गांव को खाली कर दो। और एक और महाशय ने कहा कि जब तुम हमारे इस धर्म संसद से जाओगे तो ये इरादा करके जाओ कि किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, रोहिंग्या मुसलमानों की तरह भारत के मुसलमानों का हशर कर दिया जाएगा। मैं नरेंद्र मोदी से एक सवाल कर रहा हूं, आपने गुजरात में आज कहा कि देश की यूनिटी को, अखंडता को बरकरार रखना चाहिए, बताओ देश के प्रधानमंत्री, आप मेरे भी प्रधानमंत्री हैं, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आपने भारत के संविधान पर हल्फ लेकर भारत के तमाम नागरिकों की हिफाजत का जिम्मा आपने लिया है, बताओ क्या आप इनकी बातों से मुत्तफिक है? अगर नहीं है तो फिर ये खुले क्यों घूम रहे हैं? और बाबा ये बताओ, ठोक दो, क्या करोगे तुम आप? ये धर्म संसद में इस तरह की बकवास कही गई और वहां के डीजीपी साहब कहते हैं
अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट नहीं लगेगा। डीजीपी साहब, हमको भी थोड़ा कानून आता है, आपकी तरह नहीं आता होगा, मगर भारत का कानून यह है कि जब भारत की आर्मी से कह रहे हैं लोग मुसलमानों को मार दो, तो क्या आप 121A का दफा नहीं लगा सकते? क्यों नहीं लगाया आपने, मेरा एक सवाल। और फिर आप 124A लग सकता है, धमकी 503 लग सकता है, आर्म्स एक्ट लग सकता है, और फिर आप सेक्शन 108 अमेंडमेंट लग सकता है, और अगर यूएपीए नहीं लग सकता तो झूठ, यूएपीए में आप इन तमाम ऑर्गेनाइजेशन को बैन करो इनको, जो मनमोहन सिंह को मारने की धमकी दे रहे हैं, जो मुसलमानों को, भारत के मुसलमानों को, रोहिंग्या मुसलमानों का हाल करना चाहते, कुछ एक्शन बीजेपी नहीं लेगी। ये इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं, और बीजेपी के लोग ओवैसी की 45 सेकंड की तकरीर पे पेट में दर्द हो जाता है। आप सोचिए, नहीं ये जज्बात में लाने के लिए नहीं कह रहा हूं, याद रखिए, ये अंग्रेजी में बोलते ना, नहीं ये फ्रिंज है, ये फ्रिंज नहीं, ये मेन एलिमेंट है, जो बीजेपी इनकी सरपरस्ती कर रही है, बीजेपी इनकी ताईद कर रही है, संघ परिवार इनकी सरपरस्ती कर रही है, और इस तरह के बुरे ख्यालात इनके। अब बताओ आप कि एक मजहब के मानने वालों को, जो भारत के बाइज़त शहरी है, अकलियत है, अल्पसंख्यक है, माइनॉरिटी है, उनको मारने की बातें हो रही हैं, और कोई केस, कोई गिरफ्तारी अब तक नहीं होती,